राजधानी दिल्ली में आपको इस दीपावली बाजारों में मिट्टी के दीपक की जगह गाय के गोबर से निर्मित दीपक दिखाई देंगे, जो कि पर्यावरण को प्रदूषण होने से भी बचाएंगे। दरअसल मिट्टी के जो दीपक बनते हैं उसमें भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को पकाने के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से बात की जाए तो दीपावली के दौरान दिल्ली में प्रदूषण चरम पर होता है, जिसको देखते हुए एनजीटी भी सख्त है और इस साल भट्टियां जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से बाजारों में गाय के गोबर से निर्मित दीपक दिखाई देंगे जो दो तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ दीपक हैं जो हाथ से आकार दिया जाता है और कुछ ऐसे दीपक हैं जिनको मशीन से आकार देकर के तैयार किया जाता है। जिन्होंने इसकी पहल करी मुखमेलपुर गांव में विकास भारती हमारे साथ में है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये सोच कैसे आई और ये जो गाय के गोबर से बने हुए दीपक हैं ये पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाएंगे। पिताजी, इस बार बाजार में गाय के गोबर से बने हुए दीपक दिखाई देंगे, कितना फायदा मिलेगा? इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे एनवायरनमेंट को है। देखिए, एक तो जब मिट्टी के दिए हम बनाते हैं तो उनको तपाना पड़ता है, उनको तपाने के लिए जैसे कोयला या लकड़ी को जलाना पड़ता है तो प्रदूषण एक तरह से होता है। एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया हुआ है इन चीजों पे, तो उसका अल्टरनेटिव सोच के ये कार्य शुरू किया गया है। कामधेनु आयोग से जो वल्लभ भाई कथीरिया जी है वो हर त्योहार को एक पर्टिकुलर थीम देते हैं, जैसे जब होली आई थी तो उसमें कामधेनु होली थी, राखी जब आई तो कामधेनु राखी थी, अब कामधेनु दीपावली है। तो इसमें दो तरह के दिए अभी बनाए जा रहे हैं, इसमें एक ये हाथ के मोल्ड से बने हुए दिए हैं, दूसरे ये मशीन के मोल्ड से बने हुए दिए हैं। इसका फर्स्ट बेनिफिट बताया जो प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, दूसरा बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं, दो दिन के अंदर ये सूख जाते हैं बनने के बाद, तीसरा जो हमारे ग्रामीण भाई हैं बहने हैं उनको रोजगार मिलता है यहाँ पे, तीसरा जैसे हम नॉर्मल जो मिट्टी के दिए बनाते हैं उसको यूज करने के बाद हमें फेंकना पड़ता है, इसका क्या करेंगे यूज करने के बाद इसको हम अगर जो गमले में डालते हैं तो ये खाद का कार्य करेंगे, तो इनका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो बहु उपयोगी कहा जा सकता है इन गाय के जो बने हुए दीपक हैं उनको, और साथ ही साथ लागत की अगर बात की जाए तो लागत कितनी आ रही है बाजार में, इनकी कॉस्ट क्या होगी? जो नॉर्मल मिट्टी के दिए उससे कम आ रही है कॉस्टिंग, क्योंकि एक तो कोयला या लकड़ी ही जलानी पड़ती है, दूसरा जो मेन जो कॉस्टिंग है वो जो हाथ वाले दिए हैं उसकी करीब करीब 2.5 से 3 रुपए, और जो हाथ वाले दिए हैं उसके करीब करीब 1.5 से 2 रुपए दिए आ रही है। साइज इनका देखेंगे, साइज काफी बड़ा है इनका, ये देखिए ये मशीन का दिया बना हुआ है और ये हाथ से मोल हाथ की मोल के बना हुआ है, तो नॉर्मल से थोड़ा सा वो ज्यादा कम पड़ता है। जो मिट्टी बनाने वाले भाई हैं जिनको अभी एनजीटी के प्रतिबंध के बाद जो प्रॉब्लम आई है, अगर वे भाई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं अपना बेरोजगारी की वजह से, तो वे ये समाधान देख सकते हैं। मेरे पास गौशाला नहीं है, तो मेरे पास आसपास जो गौशालाएं हैं वहां से मैं गोबर को परचेज करता हूं। इनडायरेक्टली जो गौशालाएं हमारी आर्थिक तंगी से गुजरती है उनको भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिलती है। तो ये जैसा कि आपको दिखाया कि बहु उपयोगी इसको कहा जा सकता है, गाय के गोबर से बने हुए दीपक हैं, कई तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाएगा, और सबसे बड़ी जो चीज है प्रदूषण पे तो फायदा होगा, साथ ही साथ जो अब तक गाय के जो मिट्टी के जो दीपक थे उनको जलाने के बाद उनको फेंक दिया जाता था, उनको वेस्ट किया जाता था, लेकिन इन दीपक में दीपावली मनाने के बाद अगर उनको घर के गमले में इस्तेमाल किया जाए तो वो खाद की तरीके से इस्तेमाल होगा और आपके जो पेड़ पौधे हैं वो भी अच्छे होंगे। आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो हाथ से बने हुए दीपक हैं उनको यहाँ पर आकार दिया जा रहा है, ये देखिए यहाँ तैयार किया जा रहा है, हाथ से बनाए जा रहे हैं, इनको आकार दिया जा रहा है, गाय के गोबर से इनको पहले शेप दिया गया और उसके बाद हाथ से इनको निर्मित किया जा रहा है। एक अन्य तरीका है जो कि मशीन से दीपक बनाए जाते हैं, दोनों की अगर बात की जाए तो 1.5 से 2 रुपए के आसपास इनकी लागत आती है, और जो बाजार में जब तक ये उतरेंगे अगर कहा जाए कि मिट्टी के दीपक से भी कम लागत में लोगों को ये गाय के गोबर से बने हुए दीपक उपलब्ध हो जाएंगे तो गलत नहीं होगा, साथ ही साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी, उससे भी बहुत फायदा कि जो दीपक को फेंक दिया जाता था उसका भी अब इस दीपक को जलाने के बाद दीपावली मनाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो हर तरीके से फायदेमंद है, एक नई सोच है, और उससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या होती थी उसमें भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षित मिश्रा, ईटीवी भारत।